हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है मैं डेली स्किन केयर रूटीन के ऊपर शेयर करूंगी आपके साथ। मैं ऐसे 5 अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में बोलूंगी जो मैंने पहले यूज किया है, करने के बाद मैंने देखा है खुद का ऊपर ही चेंज हो रहा है। स्किन का जो प्रॉब्लम था वो सब कुछ धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी आज शेयर किया जाए। तो ऐसे 5 प्रोडक्ट के साथ आज का ये ब्लॉग शुरू कर दियो। लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट रिव्यू अबाउट मामा अर्थ उपटन फेस वॉश। ये टर्मरिक और सेफ्रॉन से बनाया गया है और ये टैन रिमूवल के लिए बेस्ट है। ये डेली यूज़ करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका सन डैमेज जो है डे बाई डे रिपेयरिंग हो रहा है और स्किन ब्राइटनिंग भी आप फॉलो करेंगे। इसका नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपको ऐसा फील होगा कि जो फ्रेग्रेंस होता है ना, कि घर का ही कुछ बनाया हुआ आप पैक लगा रहे हैं अपने स्किन पे, और उसको जब रफ करेंगे, जब हम स्कर्ब करते हैं थोड़ा दाना दाना होता है, तो इसमें भी आप देखेंगे जब इस फेस वॉश यूज करेंगे आप स्कर्बिंग के साथ आपका फेस वॉश भी हो रहा है। स्कर्बिंग मतलब मैं बोलूंगी ट्विन वन ही है इसमें। हाँ, तो मेरा तो 100% रिकमेंडेड है कि आप मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश यूज कीजिए। माई सेकेंड रिव्यू अबाउट एम कैफिन कॉफी फेस मास्क। मैक्सिमम लोग सोच रहे थे कि कौन सा वाला फेस मास्क यूज करें, ऐसे में भी थी प्रॉब्लम में, तो मैंने बहुत सारा रिव्यू देखा, मैंने सर्च किया, उसके बाद मुझे लगा कि एम कैफिन कॉफी फेस मास्क वो वाला यूज करके देखते हैं, तो मैंने झट से ऑर्डर दिया और मैं यूज करने लग गई। तो पहले जब मैंने कंटेनर ओपन किया, ओपन करने के बाद वाला मैं बोलती हूँ सीन आप लोगों को, कि उसका फ्रेग्रेंस जो था, माय गॉड, चॉकलेट और कॉफी का कॉम्बो जो फ्रेग्रेंस था वो वाला, तो मतलब ऐसा लगता है कि और अलग सी दुनिया में मैं चली गई। और दूसरा जो उसका रिव्यू मैं दूंगी, ये फेस पे यूज करने के बाद और फेस मास्क में बोलूँ, यूज करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके स्किन में एक अलग सा परत लगा दिया है, और ये रिमूव करने के बाद आपको रिफ्रेश लगेगा स्किन, उसके बाद टैन भी रिमूव होगा, और मैं 100% रिकमेंड करूंगी आपको। माय थर्ड रिव्यू अबाउट बेलाविटा ऑर्गेनिक निकोलिप। ये एक लिप लाइटिंग स्कर्ब बाम है। ये ब्राइटनेस के साथ एक्सफोलिएट्स एंड मॉइस्चराइज भी करता है आप लोगों के लिप्स को। ये बीटरूट, शिया बटर और वॉलनट से बना हुआ है। ये जो स्कर्बिंग प्रोसेस है ना, ये आपको डे टू डे यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका लिप्स का जो टैनिंग है ये कैसे रिमूव हो रहा है, और आपका लिप का जो डार्क पोर्शन है लाइटनिंग हो रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप बेलाविटा का ये निकोलिप यूज करके देखिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे होते हैं कि हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोगों का खुद के ऊपर ही ध्यान चला जाता है, बाद में जब टाइम आता है तो बहुत देर हो जाता है। और ये छोटा सा है कि रात के सोने के बाद हम लोग कर ही सकते हैं सोने के टाइम में, तो ऐसे ही स्कर्बिंग करके थोड़ा सा वार्म वाटर से आप लोग धोलें। ये मिनिमम 5 मिनट तक आपको ऐसे स्कर्बिंग सर्कुलर मोशन में करना होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा कि डे टू डे यूज करेगा कि आपका जो लिप्स का जो प्रॉब्लम है ना वो लाइटनिंग हो रहा है। तो आई रिकमेंडेड इट कि आप लोग ये निकोलिप्स का बेलाविटा जो ऑर्गेनिक निकोलिप्स है ये वाला यूज करके देखिए, यूज करने के बाद आपको रिजल्ट जरूर आएगा। माय फोर्थ रिव्यू अबाउट बेलाविटा ऑर्गेनिक आई लिफ्ट। ये एक अंडर आई जेल क्रीम है। ये डार्क सर्कल रिड्यूस करने के साथ पफिनेस, रिपेयरिंग फाइन लाइंस एंड रिंकल्स भी कम करता है। ये एलोवेरा, कोकुम्बर, विटामिन ई से बना हुआ है। ये मैक्सिमम ऑल स्किन टाइप के लिए ही बना हुआ है। और ये बेलाविटा का जो आई लिफ्टिंग क्रीम है ना, वो आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल कम करने के बाद फाइन लाइंस भी कम हो जाता है। तो डेली यूज करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये काम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का डेली लाइफ में, हम लोगों का पढ़ाई के साथ, जॉब के साथ ऐसा एट्रिक होता है कि हम लोग का सोने का टाइम ही नहीं एग्जिस्ट होता है, तो इसकी वजह से हम लोग के आंखों के नीचे रिंकल्स, डार्क सर्कल होता है। लेकिन ये बेलाविटा का ऑर्गेनिक जो आई लिफ्टिंग जेल है ना, ये यूज करने के बाद आपका डे टू डे ये कम होता रहेगा, और आप खुद ही रिजल्ट फॉलो करेंगे कि आप लोगों का कैसे काम हो रहा है। तो मैं ये ऑर्गेनिक आई लिफ्टिंग जेल क्रीम को 100% रिकमेंड करूंगी कि आप लोग यूज करके देखें, और यूज करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सच में ये काम हो रहा है। तो मैं 100% वर्थ इट बोलूंगी ये बेलाविटा का आई लिफ्ट अंडर आई जेल क्रीम।
My fifth review about Alpha Ergotin and Vitamin C Brightening Serum with Blueberry. ये all की skin type के लिए है और इसका जो Alpha Ergotin और Vitamin C का जो combination है ना, वो day to day आपके skin के जो spot है, इसको lighten करने के साथ साथ ये आपके skin को bright भी करेगा और आपका skin का problem धीरे धीरे कम होता रहेगा। इस serum को आप रात को use करना। ये serum का जो structure है बहुत ही light होता है। इसको यूज करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन कि मैक्सिमम जो सीरम होता है कुछ उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा ऑयली होता है, पसीना पसीना आता है, लेकिन ये वाला जो सीरम है वो लगाने के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि आपने सीरम फेस पे लगाया है। ये सीरम आपको यूज मतलब 3-5 ड्रॉप आपके स्किन पे देना है, उसके बाद आपको अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करना है। मसाज करने के बाद ये अपने से खुद से अब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के साथ, और ये देखिए डेली यूज करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये वाला आपका स्किन का जो स्पॉट है उसको लाइट हो रहा है, उसकी डेली ब्राइटनिंग हो रही है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पिंकिंग का ये विटामिन सी सीरम आप यूज करके देखिए, उसके बाद आपको रिजल्ट खुद ही नजर आएगा। तो ये रहा मेरा 5 अमेजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू जो मैंने खुद यूज किया और आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये वाला जो 5 प्रोडक्ट का और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे बोलिएगा, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।